झारखंड के विधानसभा के 22वें साल पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम रांची में हो रही है। दूसरे दिन भारत के मशहूर हास्य कवि और लेखक शंभू शेखर की प्रस्तुति है। अपने रांची प्रवास में रफ्तार मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड विधानसभा अपना 22वां स्थापना दिवस जोरों शोरों से मना रहा है और आज दूसरे दिन प्रख्यात कवि जो है शंभू शेखर जी वो यहाँ मौजूद है हमारे साथ। सर, पहले तो आपका रफ्तार मीडिया में स्वागत है। आज क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आपका झारखंड प्रवास में है आप और विधानसभा का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम में आप उसमें मौजूद रहें। जी, विधानसभा में आज विधायकों के सामने, नेताओं के सामने, जन प्रतिनिधि के सामने मेरा काव्य पाठ होगा। जो लोग किसी के बाप का नहीं सुनते वो कवियों को सुनना चाह रहे हैं तो हम उनको आज खूब सुनाएंगे भी। और आज जब हम विधानसभा में काव्य पाठ करेंगे तो जनता की मूल समस्याओं को अपने हास्य व्यंग के माध्यम से सीधे जन प्रतिनिधि तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि झारखंड में जो भी समस्याएँ, क्योंकि हम तो बिहार झारखंड तो एक ही था लेकिन अब मान के चलिए दो है, तो झारखंड से मेरा बहुत लगाव है और ख़ासकर रांची से। रांची मेरा दूसरा घर है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मेरे अपने पारिवारिक संबंध हैं। यहाँ की जो भी समस्याएं हैं मैं सीधा सीधा जो भी हमारे विधानसभा के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे मेम्बर हैं, उन सबको आज वो हंसेंगे तो, लेकिन उनके ऊपर ये मान के चलिए कि शब्दों का प्रहार होने वाला है। आप हास्य कलाकार भी हैं तो लोग बहुत डिफरेंट भी रहते हैं, तो उन लोगों का आप क्या संदेश देंगे और अपने थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से भी उनको कुछ सुनाएं। जी, पहली बात तो ये कि जो लोग डिप्रेस रहते हैं, जो लोग दुखी रहते हैं, उन लोगों को बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, ईश्वर ने एक ही जीवन दिया है, आप रो के भी बिताएंगे तो भी जीवन बीतेगा, तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हंस करके जीवन बिताएं। क्योंकि देखिए, बहुत आपने कहा कि मैं आपके चैनल पर कुछ सुनाऊं, तो आपको बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि मित्र मिले हम चार, एक बोला सुनियार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। तो आपकी जिंदगानी सुनी सुनी ना रहे, इसके लिए आप हंसते रहिए। आज विधानसभा का जो प्रोग्राम होने वाला है, इस पर आप खास आप करेंगे तो बोल नहीं अगर। देखिए, खास तो बस मैं एक तो यहाँ से आपके चैनल पे भी मैं आजकल झारखंड में घूम रहा हूँ, यहाँ की जो मैं सड़कों की हालत देखता हूँ, रांची तक में कई जगह पे सड़कें बहुत ही टूटी फूटी रहती है। काम वही है, बस मटीरियल जो है वो थोड़ा बदलना है। तो जिस मटेरियल से स्पीड ब्रेकर बनवाते हैं उसी मटेरियल से सड़क बनवाएं, क्योंकि स्पीड ब्रेकर एक बार बनता है 6-6 साल नहीं टूटता है, सड़क हर साल टूट जाता है। काम वही है, मटेरियल वही है, बस नियत अलग होनी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला और आज झारखंड विधानसभा तो पूरे झारखंड वासियों को मैं इस बात की बधाई देता हूँ। और क्योंकि विधानसभा का प्रोग्राम है तो उनसे निवेदन करता हूँ कि जीवन में कानून का पालन करना सीखिए। जैसे कि आपने कहा कि झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस में भी आए।